हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर बिनवंशी बिजनेस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन पैसे कमाने के तरीके के बारे में कि आप ऑफलाइन पैसे कैसे कमा सकते हो, जहां पर कि आपको ऑनलाइन किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जरूरत पड़ेगी और साथ ही ना तो आपको ऑनलाइन इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ऑफलाइन पैसे कमाने के लिए आपको दो तरीके होते हैं आपके पास। तो यहाँ पर आप एक तरीका होता है कि आप या फिर शॉपकीपर बन जाएं, या फिर दूसरा तरीका होता है कि मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों, दूसरी किसी अच्छी कंपनी के आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, या फिर आप किसी अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर अपनी दुकान पर सेल कर सकते हो। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कितने इन्वेस्टमेंट में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जितने भी बिजनेस और फ्रेंचाइज रिलेटेड वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर पहले नंबर पे हमारा आ जाता है बेसन की मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों, बेसन एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि हम अपने चना या फिर मटर को पीस कर बेसन को बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं और अच्छी भी कमाई कर सकते हैं। बेसन का डिमांड हमेशा मार्केट में बना रहता है, क्योंकि इसका डिमांड जो है होटल या फिर घरों में हमेशा बना ही रहता है। तो यदि आप इसकी मिनी प्लांट को लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर आपको 1 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आएंगी, जिसमें कि आप बेसन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हो। इसकी अगर डिटेल वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल पे जाकर आप इसकी डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। और अगला हमारा आ जाता है राइस मिल का बिजनेस। तो दोस्तों, यहाँ पे राइस मिल में राइस मिल की मशीन जो होती है आपको 40,000 रुपए तक की मिल जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में 70 से 75% की आबादी जो होती है वो चावल पे ही डिपेंड रहती है। तो भारत के कुछ राज्यों में धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उस समय धान का जो आपके चावल का कीमत होता है बहुत ही कम रहती है। उस समय आप जाके चावल खरीद सकते हो, उसके बाद उसको अपने राइस मिल में रख के जब उसकी डिमांड बढ़ जाए तब आप बेच सकते हो, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा मुनाफे होंगे। तो इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हो, जहाँ पर इसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगला हमारा आ जाता है चॉकलेट का बिजनेस। तो दोस्तों, चॉकलेट जो है बच्चों की पहली मनपसंदीदा चीज़ है। आजकल बाजार में सबसे ज़्यादा डिमांड अगर बच्चों के प्रोडक्ट में आती है तो वो चॉकलेट की ही आती है। तो बाजार में आप देखोगे बहुत सारी कंपनियों के चॉकलेट आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप भी अपना एक प्लांट स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें कि आप चॉकलेट कई वैरायटी या चॉकलेट बना सकते हो। तो चॉकलेट कोको के बीज से तैयार होता है, जिसको कि आप अलग अलग फ्लेवर डाल के भी बना सकते हो। तो बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स भी इसमें मिलाए जाते हैं, ताकि चॉकलेट के स्वाद जो है उसको बढ़ाया जा सके। तो अगर आप भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो इस बिज़नेस को आप 25,000 से 30,000 रुपये में ही स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हो। और अगला हमारा आ जाता है कि आप पेन बनाने का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप बाल पेन देखोगे तो आज के समय में कौन नहीं यूज करता। स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, कोचिंग हो, या फिर कोई भी संस्था हो, या फिर दुकान हो, हर जगह पे बाल पेन का यूज आप देखते होंगे। तो दोस्तों, जैसे पुराने समय में इंक पेन का यूज होता था, जिसमें कि इंक अगर गिर जाती थी तो उससे आपके डायरी या फिर पेन हाथ सब खराब हो जाते थे। आज के समय में बाल पेन का चलन चला है, जिसमें कि बहुत सारे डिमांड आपको बाल पेन में देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप बाल पेन का इस्तेमाल करती हो या फिर बाल पेन का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अब अगला हम बात कर लेते हैं LED बल्ब के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कई वाट के बल्ब बना सकते हो, चाहे आप 7 वाट का बनाओ, 10, 15, 20, 50 या फिर 100 वाट के भी बल्ब बना सकते हो। कोई भी बल्ब आप मार्केट में अपने बनाकर LED बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर सकते हो। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास करीब से करीब 50,000 से 60,000 रुपये रहने चाहिए, जिसमें कि आप अब इसकी मशीन को भी लगाओगे और उसके साथ साथ आप प्रोडक्ट भी ला सकते हो। तो अगला हमारा जाता है चप्पल का बिजनेस। तो दोस्तों, चप्पल का बिजनेस जो है घर घर पर जरूरत पड़ता रहता है, हर कोई इस चप्पल को यूज करता है। ऐसे में आप हवाई चप्पल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आपकी जो आती है वो 35,000 रुपये आती है, जिसमें से कि आपको 25,000 की सिर्फ आपको मशीन मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको 10,000 की इसकी प्रोडक्ट लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर देना होगा। जाता है कॉस्मेटिक शॉप की बिजनेस। तो कॉस्मेटिक शॉप के बिजनेस में कमाई आपको 2 गुनी से 2.5 गुनी तक देखने को मिल जाती है। कॉस्मेटिक शॉप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें औरतों के सुंदरता से रिलेटेड सारे सामान बिकते हैं, और वहाँ पे डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा लेडीज आइटम की ही होती है। तो दोस्तों, इस बिज़नेस को आप काफ़ी कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहो तो 25,000 से 30,000 में स्टार्ट कर सकते हो, या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम में भी स्टार्ट कर सकते हो। इस बिज़नेस को आप छोटी स्तर से स्टार्ट कर सकते हो, किसी चौराहे पे या फिर किसी मार्केट में भी खोल के अच्छी कमाई कर सकते हो। तो अगला हमारा आ जाता है दोस्तों किराने शॉप की बिज़नेस। तो किराना शॉप में नाम सुनते ही आप जान गए होंगे, जिसमें कि आपके घरेलू चीज़ों की बिक्री होती है।
इस बिजनेस को आप कम से कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने घर में से भी इस बिजनेस को कर सकते हो या फिर अपने छोटे से गांव में भी इस बिजनेस को कर सकते हो। इस बिजनेस को करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कोई भी ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना बिजनेस कैसा स्टार्ट करते हो। तो दोस्तों यह रहे कुछ तरीके जिससे कि आप ऑफलाइन तरीके से पैसे कमा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि बिजनेस और फ्रेंचाइज रिलेटेड वीडियो डाले वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही दोस्तों सारे वीडियो की डिटेल वीडियो जल्द ही चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ताकि जितने भी नए वीडियो डाले उसके अपडेट आप तक पहुँचते रहें।